निशा बांगड़े शामिल हो गई हैं। कमलनाथ ने दिलाई निशा बांगड़े को सदस्यता। छिंदवाड़ा में निशा बांगड़े को सदस्यता दिलाई गई है। नहीं बदला जाएगा अमला का टिकट। सूत्र के हवाले से यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। कमलनाथ ने मंच से संकेत दिए और कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कोई बात नहीं, एमपी को आपकी सेवाओं की जरूरत है। निशा बांगड़े उदाहरण बनेंगी, ये भी बड़ा बयान कमलनाथ की तरफ से दिया गया है। कांग्रेस में निशा बांगड़े को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कांग्रेस संगठन में निशा बांगड़े को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये भी सूत्र के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। तो कमलनाथ ने मंच से संकेत दे दिए हैं क्योंकि कल निशा बांगड़े कांग्रेस में शामिल हो गई थी। तो एमपी को आपकी सेवाओं की जरूरत, ये भी कमलनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। निशा बांगड़े उदाहरण बनेंगी। जब मैंने ये संघर्ष शुरू किया आज से 4 महीने पहले, माननीय कमलनाथ जी से मेरा सतत संपर्क रहा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ ने, जो हमारे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से, कमलनाथ जी ने मेरी इस लड़ाई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। हमने वहां से भी अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने जो मेरा आमला की टिकट होल्ड किया, सिर्फ इस इंतजार में कि मेरा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो मंजूर करेगी, लेकिन उनका षड्यंत्र देखिए। उन्होंने उस दिन मेरे इस्तीफे को मंजूर किया जब कांग्रेस ने उस पार्टी के पे प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इस तरह का षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे साथ किया है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये मध्य प्रदेश की तमाम महिला के साथ है। तो इसीलिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अब हम अपने अधिकारों की लड़ाई माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस पूरे मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मेरी विचारधारा और माननीय कमलनाथ जी के जो आशीर्वाद है वो एक है और अब मैं अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को देना चाहती हूँ। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगड़े